गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, अवर न्यू लेसन लेसन नंबर 3 डेसिमल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, डेसिमल डेसिमल क्यूब में से क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। सो यदि हम इसमें देखें तो 8/100, इट मींस 100 को डिवाइड करना है 8 में। ओके, या फिर इस 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो। सो क्या करेंगे, हम 2 डिजिट वाला पॉइंट का यूज करेंगे, बट इसमें तो ये की डिजिट है 1, तो दूसरी डिजिट नहीं है, तो इसे क्या लगा देंगे, पॉइंट 0, फिर पॉइंट 0। दो डिजिट, दो जीरो का मींस है कि 2 डिजिट बाद, लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है, लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। दो जीरो इसलिए हमने क्या किया, लास्ट से 2 डिजिट बाद 8, एक और जीरो यूज किया क्योंकि ये डिजिट है, फिर पॉइंट लगाया, आगे जीरो लगा देते हैं। So, second question, 20 to write as it is, plus 10 का divide देंगे 9 में, it means 10 में 1 0 ना, so last is 1 is 1 point, 0.9, 100 का divide देंगे 4 में, it means last is 4, 2 digit 1 point, 2 digit 0.0, इन सब को add करें, so we get 20.94, add करना तो आपको आते ही होगा decimal वाला, okay, 20.94, यहाँ पे तीन पता है तो कैसे करना, 20.0.9.04 इन सब को ऐड कर देंगे, 09.02 इस टाइप से हम ऐड करते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ओके, सो 20.94। नेक्स्ट 23 प्लस 10 का डिवाइड 2 में, सो 0.2, 0.2 मींस लास्ट से 1 डिजिट बाद पॉइंट, प्लस 30, इट मींस लास्ट से 3 डिजिट बाद पॉइंट, सो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 0.0। ओके, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये हम सबको कंबाइन करें, सो 23 पॉइंट, ये 1 डिजिट है पॉइंट पॉइंट, सो 23.06 यदि हम सबको ऐड करें, सो कैसे लिखेंगे, 23.0 लगा देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने के लिए 0.2 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने के लिए 6 इस साइड आएगा, इन सब को ऐड करेंगे यहां तो कुछ नहीं, 6 यहां पर भी 0 यहां पर 2.23, तो 23.206। ओके, इस टाइप से ऐड किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल। अब इनको हमें डेसिमल में फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल, डेसिमल में दिए गए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या करेंगे जी, पॉइंट जो लगा जस्ट इसका कन्वर्स क्वेश्चन है, पॉइंट जो लगा कितने डिजिट बाद लगा, 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना, सो 2 डिजिट मींस 20, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ ये देखना है कि जो पॉइंट है वो कितने डिजिट बाद लगा है, 1 2 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा, इट मींस 20 नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, 100 से डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस में अगेन कैंसिल होगा ना, तो कैंसिल कर सकते हैं 2 से 4 टू टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, सो बी गेट 1/25। ओके, नेक्स्ट 2.34, तो 2.34 को क्या लिखेंगे, 2.34/100, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है वो लास्ट से 2 डिजिट बाद लगाना, 1 2 1 2 2 डिजिट बाद, सो जो पॉइंट नीचे 20, इट मींस 100। ओके, अब 2 से कैंसिल कर देंगे, सो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 देगा, 2 से कैंसिल करेंगे 1 1 7, सो 1 1 7/50 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट 0.342, इट मींस 342/100 नहीं, 1000, क्योंकि जो पॉइंट है 1 2 3 डिजिट बाद लगाना, 1 2 3 डिजिट बाद लगाया, इसमें 3 डिजिट मतलब 30, सो 30 से डिवाइड करें, 30 मींस 1000, 2 से कैंसिल कर देंगे ये हो जाएगा 500 टाइम्स 171, सो 171/5000 इज आवर आंसर। ओके, नोटेड।